हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन YCP इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर जो स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। हमें अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे कम से कम तुम यहाँ आ तो सकते थे, कम से कम वह मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, कम से कम तुम मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं एट लीस्ट प्लस कुड का। और फ्रेंड्स, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आइए इसका रूल देखते हैं। पहले एट लीस्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कुड आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अदर वर्ड आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कम से कम वह वहाँ रुक तो सकती थी, एट लीस्ट सी कुड स्टे देयर, एट लीस्ट सी कुड स्टे देयर। कम से कम तुम मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे, एट लीस्ट यू कुड वेट फॉर मी, एट लीस्ट यू कुड वेट फॉर मी। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड टेल मी, एट लीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम तुम हिंदी तो बोल सकती थी, एट लीस्ट यू कुड स्पीक हिंदी, एट लीस्ट यू कुड स्पीक हिंदी। कम से कम वे लोग कोशिश तो कर सकते थे, एट लीस्ट दे कुड ट्राई, एट लीस्ट दे कुड ट्राई। कम से कम वह मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी, एट लीस्ट सी कुड इन्फॉर्म मी, एट लीस्ट सी कुड इन्फॉर्म मी। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, कम से कम तुम बैठ तो सकते थे। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।